अब विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 में बात करते हैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र की। क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों ने किए वादे, तो जनता ने बेबाकी से रखी अपनी राय। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। राजस्थान का हृदय और धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर अजमेर शहर में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। अजमेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। शुरुआत में अगर इस शहर के इतिहास और भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पुराने ऐतिहासिक किले, महलों के अलावा प्राचीन धार्मिक स्थल हैं। अब इस बार के लोकसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इस सीट पर राजनीतिक समीकरणों को देखें तो यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा ने पूर्व सांसद भागीरथ चौधरी पर एक बार फिर से दाव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के भागीरथ चौधरी वर्तमान में अजमेर लोकसभा से सांसद हैं। वे ग्रामीण परिवेश से जुड़े होने के साथ ही मार्बल उद्योग से भी संबंध रखते हैं। से लेकर देवली जो स्टेट हाईवे थी उसको नेशनल हाईवे, नारायणा से लेकर उधर उसको नेशनल हाईवे के लिए उसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस तरह के अनेक काम है। पर डे 3 करोड़ रुपए के रोजाना काम है, 4,900 करोड़ रुपए के काम इस साल में है। उधर कांग्रेस ने वर्तमान में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी पर विश्वास जताया है। चौधरी राजनीति में आने से पहले शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। वे कांग्रेस संगठन में भी कई पदों पर काम कर चुके हैं। अजमेर का मेड़ता, अजमेर, अजमेर कोटा, अजमेर स्वयंमधोपुर रेलवे लाइन 5 साल में किसी भी हालत में तैयार कर, और ब्रिज रेलवे की पेंडिंग पड़ी 7 साल 8 साल 5 साल की, उनको पूरा करवाएंगे। और इसके अलावा अजमेर जिलों को एक औद्योगिक हब बनाने के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। अजमेर लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनावों की बात करें तो यहां भाजपा के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला को हराया था। इससे पहले 2018 में भाजपा के सांसद प्रोफेसर सांवरलाल जाट का निधन होने के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा ने भाजपा के रामस्वरूप लांबा को हराया था। वहीं अब अगर इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 18 लोकसभा चुनावों पर नजर डाली जाए तो 10 बार कांग्रेस, 7 बार भाजपा और 1 बार अन्य उम्मीदवार विजयी रहे हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति को देखें तो यहां कुल 19,86,965 मतदाता हैं। इनमें 10,10,861 पुरुष, 9,76,079 महिला और 25 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। अजमेर लोकसभा में 2019 में हुए चुनाव में 67.32% मतदान हुआ था। इस बार के चुनाव में और अधिक मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अलग अलग रोज हम स्वीप के बारे में कोई न कोई कार्यक्रम रखते हैं जनता के बीच जाकर, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल कर मतदान करें, बिना डरे मतदान करें, बिना प्रलोभन के मतदान करें। इस लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दों पर बात करें तो अजमेर में पेयजल, ग्रामीण विकास और यातायात की समस्या बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके अलावा साइंस पार्क का निर्माण, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मंदिरों का जीर्णोद्वार, हाईवे और फ्लाईओवर के निर्माण के साथ ही किशनगढ़ के मार्बल व्यवसाय को बढ़ावा देना भी चर्चित मुद्दे बने हुए हैं। यहाँ के लोगों की आनासागर झील की सफाई और सौंदर्यीकरण, साथ ही फाय सागर झील से शहर को जलापूर्ति की भी मांग है। एम्प्लॉयमेंट के जो रास्ते हैं वो खुले, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो अपने कंट्री में से गायब हो। इसके साथ साथ रोड्स जो हैं वो अभी भी काफी है, डैमेज रोड्स हैं अपने यहाँ पे, उसका भी जैसे नेशनल हाईवे की और इनकी रोड्स होती है वैसे थोड़ी अच्छी रोड्स हों। अजमेर को फिल्म सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि जो बॉलीवुड है वो यहाँ पर आए और यहाँ पे शूटिंग वगैरह करें, तो हमारे अजमेर का नाम हो सकता है काफी। भागीरथ चौधरी जो किशनगढ़ से अपना नाता रखते हैं, वे किसान और व्यापारी हैं,
उनका भी अपने क्षेत्र में काफी अच्छा वर्चस्व है। वहीं रामचंद्र चौधरी अजमेर डेयरी के अध्यक्ष हैं। विकास के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर मंदिरों का जीर्णोद्धार होना बाकी है। इसके अलावा जो अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी बन रहा है उसको लेकर भी कार्य चल रहा है। तो जनता अब देखते हैं कि किस तरफ वोट करती है। शिखा शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अजमेर।